विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच कप्तानी को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पहले कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीसीसीआई पर बिना उनसे पूछे वनडे की कप्तानी से हटाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से चीफ सिलेक्टर रतन शर्मा ने कोहली के दावे को खारिज किया था। अब इस मामले पर टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री का बयान सामने आया है। शास्त्री ने बताया कि आखिर किस तरीके से इस मामले को पहले ही निपटाया जा सकता था। इसके साथ ही उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष के इस मामले पर बयान देने की मांग की। रवि शास्त्री ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि इस मामले को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था अगर कोहली और बोर्ड के बीच पहले इस मामले पर चर्चा हो जाती तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। शास्त्री ने कहा कि अब कोहली ने अपनी बात सबके सामने रख दी है और सौरभ गांगुली को भी अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच सभी के सामने आना चाहिए लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों के बीच संवाद होना चाहिए। गौरतलब है कि विराट को वनडे की कप्तानी से हटाने के फैसले पर शास्त्री पहले भी अपनी राय जाहिर करते रहे हैं। पहले उन्होंने बीसीसीआई के फैसले की तारीफ की थी। जब रवि शास्त्री से उनके और विराट के बीच संबंधों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं, लोग कुछ भी कहें लेकिन विराट और उन्हें पेशेवर तरीके से अपना काम किया। रवि शास्त्री ने यह भी कहा कि उनकी और विराट की सोच काफी मिलती है, उन्हें कोहली का मैदान पर आक्रामक रवैया भी काफी पसंद आता है। रवि शास्त्री ने यह भी बताया कि वो भी अपने शुरुआती करियर में कोहली की तरह आक्रामक रवैया रखते थे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।